हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके एयरपोर्ट्स जो हैं एक मिनट से भी कम चलते हैं, जैसे कि आपने जस्ट प्लग इन किए अपने एयर्स में और कनेक्ट करने के बाद जस्ट आप सॉन्ग प्ले ही करते हैं और आपका ये जो म्यूज़िक है वो उसी टाइम बंद हो जाता है, आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका ये प्रॉब्लम म्यूज़िक सेक्शन में नहीं है तो या फिर आपको ये प्रॉब्लम कॉलिंग में होगी। जब भी आपके फ़ोन में कॉल आती है तो जैसे ही आप कॉल रिसीव करते हैं तो आपके एयरपोर्ट्स जस्ट टर्न ऑफ या फिर कह सकते हैं शट डाउन या ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं, ये मेरे एयरपोर्ट्स सीरीज़ 1 ओरिजिनल हैं। यहाँ पर आप इसके आईफोन में बैटरी परसेंटेज को चेक कर सकते हैं कि कितनी इसकी यहाँ पर टोटल बैटरी बता रहा है। एयरपोर्ट्स की 100% है और इसकी जो केस है इसकी 99% है। तो चलिए गाइज, इसको मैं अपने एयर्स में प्लग इन करता हूँ, जस्ट कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको सॉन्ग दिखाऊंगा कि कितनी देर चलेगा। और मैं आपको वो मुझे बताना है कि क्या आपके केस में भी यही प्रॉब्लम है। तो जैसे कि ये मैंने कर ली है अपने एयर्स में प्लग इन और मैं अभी कोई भी सॉन्ग प्ले करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे जो एयरपोर्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं मेरे आईफोन के साथ। जस्ट मैं अपना कोई भी सॉन्ग अगर मैं प्ले करूँ तो चलिए मैं ये वाला अगर सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये सॉन्ग जो है कितनी देर चलेगा, आपके सामने है ये सॉन्ग कितनी देर प्ले हो रहा है। तो अभी मैं एयरपोर्ट से कोई भी बंद वगैरह नहीं करूँगा, ये जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के लिए चलेगा। जैसे मैं इसकी आवाज़ को वॉल्यूम को अप करूँगा तो ये मेरे एयरपोर्ट जो है बंद हो जाएंगे। जस्ट मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से होता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मेरा सॉन्ग है वो अब बंद हो गया है प्ले होना। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये 30 सेकंड्स के करीब ये प्ले हुआ था और जैसे कि यहाँ पर अब एयरपोर्ट्स की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट मेरी ड्रॉप हो गई है, मेरे जो एयरपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है मेरे जो है राइट एयरपोर्ट में है। तो ये राइट एयरपोर्ट जो है मेरा डिसकनेक्ट हो जाता है और उसके बाद में एक मिनट के बाद अगर मैं फिर से अपना एयरपोर्ट कनेक्ट करना चाहूँ तो मेरा राइट एयरपोर्ट नहीं कनेक्ट होता, मेरा लेफ़्ट वाला एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि राइट वाले प्रॉब्लम की जो राइट वाले की बैटरी है वो ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पर गाइज मेरी राइट वाले की बैटरी ज़्यादा इसलिए जल्दी ख़राब हुई है क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट राइट वाला ही यूज़ करता था। तो अगर इसका कोई फिक्स है तो वो क्या है आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर गाइज सेम कंडीशन आपके केस में भी है तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें कर लेनी है। सबसे पहले आप अपने एयरपोर्ट्स को यहाँ जो नीचे वाली साइड है, जो नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पर स्टेम है इसकी जो जहाँ पर माइक्रोफोन है, उसको अच्छे तरीके से क्लीन करें। आपको कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और उसको बड़े सही से क्लीन करना है। एक चीज़ का ध्यान रख लें कि अगर आपके पास कोई एसीटोन या फिर पेट्रोल वगैरह है तो आप अपने क्लोथ को उससे थोड़ा सा डिप करके उससे क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये तो हो गए हमारे एयरपोर्ट्स नीचे से क्लीन स्टेम से, लेकिन हमें जो है एयरपोर्ट्स के जो अंदर जिसके साथ उसकी अटैचमेंट होनी है उसको भी क्लीन करना है। जैसे गाइस हमें अपने एयरपोर्ट्स जो हैं इस केस में डालते हैं तो ये वाला जो है रेड हो जाता है। तो इसको कैसे पता चलता है कि एयरपोर्ट्स प्लग इन हो गए हैं केस के अंदर? तो ये जो पॉइंट्स हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं गोल्डन से आपको पॉइंट्स दिखेंगे, मेटालिक पॉइंट्स। जस्ट होल्ड ऑन, तो आई होप गाइस आपको ये विजिबल हो पा रहे होंगे। जस्ट होल्ड ऑन, अगर मैं लाइट को इंक्रीज करूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं गोल्डन वाले, इसमें भी दिख रहे हैं और इसमें भी दिख रहे हैं। आपको इनको भी क्लीन करना पड़ेगा। वो कैसे आप क्लीन कर सकते हैं? आपको एयरबड लेना है जिसे हम क्यू टिप बोल देते हैं, उसको एसीटोन या फिर पेट्रोल से अच्छे तरीके से अंदर उसको डाल के क्लीन करना है, घुमाना है उसको इसके अंदर डाल के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो एयरपोर्ट्स हैं उसका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जो एसीटोन और पेट्रोल है वो आधे सेकंड के अंदर अंदर एक मिनट के अंदर अंदर उड़ जाएगा, वो कोई भी हार्म नहीं करेगा इस चीज़ को। सबसे पहले अपने स्टैम को क्लीन करें और फिर नीचे जो अपने एयरपोर्ट्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करें। ये इसलिए है क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो चार्ज भी हो रहे हैं अंदर के, नहीं चार्ज हो रहे। अगर आपकी ये प्रॉब्लम ये वाली है और ये फिक्स हो जाएगी तो बढ़िया, अगर नहीं होती तो आपको अपने एयरपोर्ट्स एक बार हार्ड रीसेट करके देख लेने हैं। तो वो कैसे करने हैं? जस्ट आपको सिंपल अपने जो आईफोन का ब्लूटूथ वाला सेक्शन में जाएं,
जैसे कि यहाँ पर ये मेरे आईफोन का ब्लूटूथ वाला सेक्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एयरपोर्ट सीरीज़ वन, आपको इसको डब्बी को ओपन करना है, और ये जो पीछे आपका बटन दिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला बटन, आपको यहाँ पर इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके अंदर जो वाइट लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको लॉन्ग प्रेस कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए करके रखना है। यहाँ पर सबसे पहले वाइट लाइट होगी, फिर रेड लाइट ब्लिंक होगी, और फिर से वाइट लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि गाइस अभी आप देख पा रहे हैं अभी वाइट लाइट ही शो हो रही है, तो जस्ट होल्ड ऑन, ये अभी रेड आप देख सकते हैं रेड शो हुई और अभी ये वाइट शो होगी। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं रेड होने के बाद ये वाइट शो हो रही है। तो अब आपके हो गए हैं एयरपोर्ट्स रीसेट, अब आपको अपने आईफोन के साथ एक बार फिर से कनेक्ट करने हैं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो वेल डन हो जाएगा आपके लिए, अगर नहीं होती तो ये 101% ये जो है बैटरी प्रॉब्लम है, आपको ऐसे बैटरी से ही फिक्स करना पड़ेगा। तो अब आप समझेंगे कि ये कैसे फिक्स होगा। तो दोस्तों इंडिया में बैटरी अभी नहीं मिल रही है, ये अली एक्सप्रेस से चाइना में मैंने देखी है, लेकिन ये अभी ऑर्डर नहीं हो पा रही। तो बैटरी कैसे रिप्लेस करते हैं, बेसिकली इसका ये जो माइक्रोफोन है इसको रिमूव करके, तो थोड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है, अगर आप रिपेयर वगैरह नहीं जानते तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मार्केट में रिपेयर करता है आप उससे बैटरी रिप्लेस करवा सकते हैं। वैसे तो अभी तो बैटरी इसकी नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही इंडिया में बैटरीज अवेलेबल होंगी आप अपने एयरपोर्ट्स को एकदम फिर से एक न्यू लाइफ दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली मेरे केस में तो बैटरी की है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पंगे ले लिए हैं, बहुत सारी क्लीन कर ली है अपने एयरपोर्ट्स की जो स्टैम्प्स वगैरह हैं, पॉइंट्स वगैरह, तो ये नहीं हो रहे, बात नहीं बन रही। तो इसलिए मैंने जस्ट अपने सीरीज़ 2 जो हैं वो बाय कर लिए हैं, क्योंकि इंडिया में अभी तो बैटरी नहीं मिलने वाली है। इसलिए अगर आपको एयरपोर्ट्स का मजा लेना है तो आपको न्यू एयरपोर्ट्स बाय कर लेने चाहिए। मैंने जो है आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपके केस में ये वर्क करते हैं तो आपका बहुत बढ़िया काम निकल गया है, अगर नहीं तो आपको या फिर बैटरी का वेट करना पड़ेगा या फिर एयरपोर्ट्स दूसरे बाय कर देने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मेरी यही वीडियो थी, यही इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।